हरे कृष्णा। गिरिराज रसोई हेल्थ भी और टेस्ट भी में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ रेखा मित्तल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे मिल्क केक। ये बनाना बहुत ही आसान है, बस इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैं इसके साथ साथ छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी, जिसे आप फॉलो करेंगे तो आपका मिल्क केक बहुत अच्छा बनेगा। मिल्क केक बनाने के लिए हम लोग ले रहे हैं 1.5 लीटर होल मिल्क। ये फुल फैट दूध लेना है। मैं अमूल गोल्ड ले रही हूँ, क्योंकि ये 1.5 लीटर दूध है। तो उसके लिए 250 ग्राम मैंने चीनी ली है। आप 225 से 250 ग्राम तक ले सकते हैं। और शुद्ध घी लिया है 40 ग्राम। बाद में ऊपर से गार्निश करने के लिए थोड़ा सा पिस्ता। और ये फिटकरी है, बस 1/8 टीस्पून से भी कम, जिसे एक चुटकी कहते हैं, हम इसे यूज करेंगे। फिटकरी को इंग्लिश में अलम कहते हैं। बस इसकी सारी मेहनत तेज आंच पे कढ़ाई में पकाने की ही है, और उसमें थोड़ा ज्यादा समय लगता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक कढ़ाई ले ली है, और थोड़े से घी से मैंने चारों तरफ लगा दिया है ताकि कुछ चिपके नहीं। हाँ, और एक चीज और, पहले से ही तैयारी करके रखना पड़ता है। जब ये हमारा गाढ़ा हो जाएगा मिल्क, जब केक बनने लगेगा, तो हम पहले से गार्निश करके, या तो ऐसा बर्तन ले लीजिए या फिर ऐसा बर्तन ले लीजिए, इसे घी लगा के अंदर, घी से सब तरफ लगा देंगे घी को इन दोनों में, और तैयारी रखेंगे। साथ ही एक मोटा टॉवल, जिसे ढक के इस टॉवल में, एकदम मोटे टॉवल में इसे लपेट के रखेंगे हम लोग। तो चलिए अब हम गैस जला लेते हैं, दूध ले लेते हैं। बस इसको तेज आंच पे चलाते जाएंगे, और जब ये एकदम गाढ़ा होगा, मतलब जब ये आधा रह जाए, आधे से थोड़ा कम, तो इसमें हम पिंच भर फिटकरी डालेंगे और फिर चलाते जाएंगे। तो क्या थोड़ा सा फटेगा, मीन्स बस दाने दाने जितना फट जाएगा। इसको पकाने में लगभग 30-35 मिनट लग जाएंगे हमें। एकदम तेज आंच पे चलाते जाना है, और साइड में लगने नहीं देना है। जैसे ही लगेगा हमें ऐसे साइड से छुड़ाते चले जाना है करके। ये देखिए दूध इतना था, जहाँ से दिख रहा है तो आधा हो चुका है। पूरे आधा घंटा लगा है मुझे, 30 मिनट में आधा हुआ है। अब हम इसमें ये फिटकरी डालेंगे। ये देखिए 1 पिंच जितनी हाथ में आती है मैं डाल रही हूँ, जरा सी सी और, आधी पिंच से भी कम और डाल रही हूँ, बस इससे ज्यादा नहीं डालेंगे, ये तो पूरा ही फट जाएगा। ये देखिए अभी थोड़ी देर में दिखेगा हल्का दाना दाना। देखिए जरा भी लगे नहीं, नहीं तो जलने की स्मेल आ जाएगी। और अगर आपके पास फिटकरी नहीं है तो आप 8 ड्रॉप के करीब नींबू का रस भी डाल सकते हैं, सिट्रिक एसिड भी डाल सकते हैं, जिसे नींबू का सत्व कहते हैं। लेकिन प्लीज वेनेगर मत डालिएगा, उसकी स्मेल हमारे मिल्क केक को खराब कर देगी। बस अब हम इसमें चीनी डालना शुरू करेंगे, और चीनी डालते समय थोड़े थोड़े बैच में करके डालेंगे। एक साथ चीनी डालेंगे तो भी दूध फट जाएगा। ये देखिए ये 250 ग्राम चीनी है, पहले मैंने थोड़ी सी डाली है। इसे मिक्स होने देंगे अच्छे से, और अब बहुत केयरफुली आपको चलाते ही जाना है। अब लगने के भी बहुत चांस है, हम गैस भी स्लो नहीं कर सकते हैं। सेकंड बैच चीनी का डाला। मैं 1.5 लीटर दूध में 250 ग्राम चीनी डाल रही हूँ। आप कम मीठा खाते हैं तो 225 ग्राम तक चीनी डाल दीजिए, उससे कम तो फीकी हो जाएगी। 225 ग्राम और या 250 ग्राम।
देखिए एकदम गाढ़ा गाढ़ा होता चला जा रहा है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके घी डालेंगे। ये मैंने 40 ग्राम घी लिया है। घी डालने के बाद ये उछलेगा, जैसे कोरोना में हम लोग फेस शील्ड पहनते हैं ऐसे ही अपने लिए ये कवच रखिए और इसको ऐसे रख के करिएगा, वरना उछल के आपके ऊपर आ सकता है। ये करते करते इतना 40 मिनट हो गए हैं हमें, बस अब ऑलमोस्ट बनने के लिए आ गया है, तैयार हो जाएगा। मैंने 40 ग्राम घी इसे डाल दिया है, बस अब और डालने की ज़रूरत नहीं। अब बस थोड़ा सा गर्म होगा तो तुरंत हम डब्बे में ट्रांसफ़र कर देंगे। गर्म मतलब मेरा मतलब है कि गाढ़ा होगा। ये देखिए ये हमारा तैयार हो गया है, देखिए एकदम सफ़ेद है। अब हम इसे डब्बे में करेंगे और ढक के एक मोटे टॉवल में लपेट के 3 घंटे के लिए कहीं भी छोड़ देंगे प्लेटफॉर्म पे, लेकिन इसे हिलाएंगे नहीं और वो टॉवल में लपटा रहेगा। और आप ट्राई करिएगा नीचे मोटे पैंदे का बर्तन हो, मतलब जिस बर्तन में आप इसे डाल रहे हैं वो थोड़ा मोटे, क्योंकि क्या होता है वो धीमे धीमे पक के अंदर तैयार होगा, तो कहीं से सफ़ेद कहीं से लाल होता है, ऐसा होता है ना बाजार से लाते हैं मिल्क केक, बस बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। ये देखिए दाने दानेदार हमारा ये तैयार हो गया है, घी भी छोड़ रहा है। ये छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स मैं जो आपको बता रही हूँ उससे आपकी मिठाई बहुत ही अच्छी बनेगी। बस अब हम गैस को बंद कर देंगे। अभी मैंने इसको ग्रीस कर लिया है, अब ये मैं इसमें पलट रही हूँ। मैं आपको यहीं रख के पलट के बताती हूँ। आइडियल है कोई ढक्कन वाला बर्तन ले, मेरा इसमें ढक्कन नहीं है तो मैं इसे डबल एल्युमिनियम फॉइल लगा दूंगी। ये देखिए मैंने इसको एल्युमिनियम फॉइल लगा दिया, एक और ऊपर से लगा रही हूँ। ये देखिए मैंने अच्छे से इसे एल्युमिनियम फॉइल में कवर कर दिया है। एक ये टॉवल लेके, ये मेरा किचन की ही टॉवल है मोटा सा, इसको रख देंगे। हम तो ये टॉवल में रख रहे हैं, हलवाई लोग तो बोरे में बांध देते हैं। मैंने हलवाइयों को बनाना देखा, मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि उन हलवाइयों से ये मिठाइयाँ बनाना सीखूं। ये देखिए अब इसको मैंने बांध दिया। अब इसे 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे, 3 घंटे बाद हम इसे निकालेंगे, कट करेंगे और गार्निश करेंगे। चलिए देखते हैं। मैंने 3 घंटे बाद देखा तो थोड़ी ढीली थी, तो आप इसे 6 से 7 घंटे रखिएगा। 7 घंटे बाद मैंने इसे खोला, अब देखते हैं। कट कर लेंगे। ये देखिए मैं इसे गार्निश कर रही हूँ, थोड़ा पिस्ता लगाती जा रही हूँ। इसमें मैंने 225 ग्राम चीनी डाली थी, थोड़ी बचा ली थी, और ये इनफ मीठा है। इसको बनाने में हमें 40 मिनट लग गए थे, पहले 30 मिनट तो एक गाढ़ा होने में, फिर 10 मिनट में फटाफट बन गई थी। ये देखिए हमारा मिल्क केक बिल्कुल अच्छे से तैयार है। ये मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा।